जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अच्छी यूट्यूब फैमिली में सबको सलाम कर रहा हूँ। क्या करें, हंसते और बसते रहें, आबाद और शाद रहें। जो अच्छे मैसेज कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो जी, आज मैं बात कर रहा हूँ जी, अपनी पहली शुरुआत करते हैं अपनी सलमा बेटी से। तो मेरे कुछ सवालात हैं मेरी बेटी सलमा से। उसने हमें ना जुदा समझा, बड़ा नहीं समझ रही कि भी मेरे साथ कोई नहीं है। सबसे पहले तो आपके साथ आपकी अम्मी थी, जो कि आप कहती हैं जो मुझे बहुत ही प्यार करती हैं। आप कहती क्या हैं, वो बहुत प्यार भी करती हैं आपके लिए। वो सऊदी अरब रही पड़ी हैं, आपके बच्चों के ख्याल करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो आपको हमारी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं रहा, बिल्कुल बड़ों की इज्जत का क्यों ख्याल नहीं रहा, क्योंकि आप दौलत की पट्टी चढ़ चुकी है तुम लोग को। अच्छा, क्या कुछ कम दौलत थी आप लोगों के पास, जो आप लोगों ने पहले तो यूट्यूब बनाई तुमने, क्यों भाई? अच्छा, आपके पास कम दौलत तो नहीं थी? मेरा सवाल है, अभी यूट्यूब फैमिली सब सुन रहे हैं, इनके पास इसके पास यानी कि हमारे शहर में 4-5 प्लाट हैं, प्रॉपर्टी प्लाट हैं, कोठियां हैं, रहने के लिए जगह है। और मेरे भाई ने दोनों बेटियों को ज़मीन भी दी है, अच्छा खासा सोना रिपा हर चीज़ दी, जो घर का दहेज जैसे होता है वैसे मेरे भाई यासिन ने दिया इन लोगों को, दोनों बेटियों को। इनकी दो बेटियां और एक भाई है फारूक, तो साहब फारूक साहब को भी कोठी बना के दी, सब कुछ दिया। मतलब अपने बच्चों को वो 20-25 साल सऊदी अरब रहा है और बहुत कुछ कमाया उसने, और इन बच्चों के लिए छोड़ के गया है बस। और इन बच्चों ने उसे क्या दिया मेरे भाई को, सवाए अभी उसकी कब्र भी रुसवा कर रही होगी उन लोग को। कैसे मुंह दिखलाओगे अपने बाप को, जिसने सारी ज़िंदगी आप लोगों के लिए कमाया, अपनी इज्जत के लिए भी मेरी बेटियों का घर अच्छा बसेगा, अच्छा सा उन लोगों की ज़िंदगी बचेगी। तो मेरे भाई को आप लोगों ने क्या दिया, यही दुनिया के सामने आके बेइज्जती, यही दौलत की पट्टी। जब आप नहीं आती, अगर YouTube नहीं बनाती, तो आपको क्या कमी थी? आपके कराची शहर में बहरिया टाउन में प्लाट करोड़ों रुपए के आपके बच्चों के नाम है, तो अभी भी आपको जो है ना पड़ी थी भी मैं भी यूट्यूब बनाऊं। सितारा ने तो बनाया बनाया, चलो उसका पहले से था, सितारा का चल रहा था जो था उसने बना लिया, फिर आपको भी शौक हुआ कि मैं भी आ जाऊं यूट्यूब पर। अच्छा, हमारे ख़ानदान में से कोई पहले यूट्यूब पर था? मैं काम करता था पहले, सबसे पहले 16 साल से मैं काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पर मैं ही था। और मुझे भी गालियाँ पड़ती थी भी आप यूट्यूब पर, हमारे ख़ानदान में अच्छा ख़ानदान है तो कोई नहीं है तो आप भी ना आए। मेरा बड़ा भाई भी मुझे गालियाँ देता था और मुझसे साहब नाराज़ थे भी, यूट्यूब अच्छी चीज़ नहीं है तो नहीं आओ, ये वो करते थे सब, क्योंकि हम माल मवेशी वाले लोग हैं भाई, हमारे पास माल मवेशी है, हमारे माँ बाप के पास माल मवेशी रहा है और हम वही लोग हैं। हमें प्यार भी हमें माल मवेशी से बहुत है, हमारा कारोबार भी माल मवेशी है। तो मेरी वालदा जन्नतुल बकिया में सऊदी अरब में है, वहीं दफन है, तो मेरी जन्नत जन्नत में है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी 16 साल मदीने पाक रहा हूँ, मेरा भाई भी 25 साल या ग़ुलाम यासिन सऊदी अरब रहा है,
गुलाम मोहम्मद को भी बहुत अरसा हो गया, मेरे बड़े भाई को जो इसके ससुर है। अच्छा, ये भी छोटे छोटे बच्चे थे असगर, और ये सब जिंदगी हो गई इनको, मतलब पैसों के लालच में आकर ये इन लोगों ने ये काम क्यों किया। अच्छा ठीक है, आपका झगड़ा हो गया, जो कुछ हुआ, फिर आपने पहले YouTube बनाई, आपकी पहली गलती। अच्छा, आप लोगों के पास प्लाट ये वो हर प्रॉपर्टी है, आप मांगते ना सबूत, अब तो सबूतों पर बात हो गई ना, तो आप लोगों को क्या सबूत चाहिए और। अच्छा, उसके बाद आपने सब कुछ हुआ भी, आपने मतलब वो बना लिया, पहले आप काम करते थी तो आप लोग ना भी करते तो आप लोग वो सब कुछ था। चलो अभी आपके बच्चों के लिए सब कुछ है, ये घर की बात है, मुझे पता है। कोई YouTube फैमिली पूछना चाहती है तो मैं हर चीज़ का सबूत दूंगा आप लोगों को। अच्छा जी, तो फिर आपको झगड़ा हो गया सितारा बहन से, गलत फहमी हो गई, सब कुछ हो गया, हमने सुन लिया। फिर आपको फ़ोन करता रहे पूरा, फारूक आपका बड़ा भाई है, बाप की जगह है, आपकी माँ वहाँ बैठी है, वो भी आपको झूठा बोल रही है, क्यों उसका साथ दे रही है सितारा का, अगर वो झूठी है तो क्यों साथ दे रही है। फारूक भी क्यों बिका हुआ है, आप कहती ना बिके हुए हैं सब, हम सब बिक गए हैं भाई, इतना दौलत है, इतना दौलत है उसके पास कि सब को हमको ख़रीद लिया जी सितारा ने। अरे भाई, उससे तो ज़्यादा दौलत तुम्हारे पास है, आप लोगों के पास है, अरबा खरबा के प्लाट आप लोगों के कराची में है, पंजाब में है, कोठियाँ हैं, तो उसके पास कौन सी दौलत आ गई है, वो तो किराए के मकान पर रह रही थी पहले, और अभी भी किराए के मकान पर है। बहुत अफसोस है बस। अच्छा जी, तो फिर दूसरा ही अफसोस मुझे वो हुआ कि झगड़ा सो हुआ जो हुआ, आपको बाप पर्दा नकाब, पहले नकाब में थी, फिर नकाब भी उतर गया जी, ये आप ये बात नकाब में भी बता देते, आपने पर्दा उठा लिया, इस्लाम को पीछे छोड़ दिया, आप गुनाहगार हो गई, सबसे गुनाह पहले तुमने ये किया, आप ये नकाब में भी आके बता सकती थी, जैसे पहले आपका चल रहा था चैनल, वैसे तो चल रहा था, ऐसे नहीं समझ देखते थे लोग आपको, YouTube फैमिली देख रही थी ना आपको कि आप सलमा बेटी हैं, तो आप अगर नकाब में आती तो फिर भी आपको YouTube फैमिली समझ सकती थी, नहीं आपने पहले तो अपना नकाब उतारा, क्यों कि सितारा को तो नकाब नहीं है, उसको दुनिया ज़्यादा चाहती है, तो मैं भी नकाब उतार के आई हूँ, आपने इस्लाम को पीछे छोड़ दिया, नहीं जो मेरा घर के साथ असगर के साथ झगड़ा हुआ, मैं पहले उसकी बात मानती थी, जब उसके बात नहीं मानती तो मैंने नकाब उतार दिया, भी ये कैसा झगड़ा है, ये आपने आगे मरना भी है, हम सब ने मरना है, तो आप क्या कहें कि मेरा झगड़ा हुआ था इसलिए मैंने नकाब उतार दिया। तो बेटी बहुत समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, आपको एक्सीडेंट हुआ था तो मैं आया था तो आपको फूलों का दस्ता दिया था, तो आपने कहा था अभी इसमें ना मुझे चाचे और बाप की खुशबू आती है, तो आप तो बहुत समझदार थी। खैर, अल्लाह ताला दोनों को हिदायत दे, आपको भी और सितारा को भी, हमारी इज्जतों की धज्जियाँ ऐसे ना उड़ाओ, कितना गंदी गंदी बातें हो रही हैं हम पर, ये भड़वे हैं, गंदे लोग हैं, फलान है फलान, अरे इतना बस कर दो आप लोग, तुम हमारी बेइज्जती मेरी ये बेटियाँ ही करा रही हैं, ठीक है ना, आप लोग करा रहे हैं, ज़्यादातर आपका हाथ है, आपने आग, अच्छा आपके पास सबूत थे, एकदम से ला देती ना, थोड़े 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 ये सबूत है मेरे पास, वो सबूत है, कहाँ से वहाँ वॉइस करा दी, किसी को वॉइस भे मतलब मैसेज है जी मेरे पास वॉइसें आ गई है जी इसकी, अरे ये लोग कौन होते हैं हमारी वॉइसें करने ओपन करने वाले, हमारे घर का मामला था, इनकी जरूरत थी, अरे इनकी जरूरत है हमारी वॉइसें ओपन करने की, हमारे घर की बात थी, हम ही करते, लेकिन आपने
ऐसे 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 बात को ख़त्म नहीं करना चाहती, आप अब चैनल के लिए जो है ना फेमस हो जाना चाहती हैं, फेमस हो बेटा, बहुत फेमस है और दौलत कमा लें, हम लोगों ने मरना नहीं है, झूठ सच मिला के शाबाश जल्दी करो जी हम फेमस हो जाएं। सितारा का तो नाम बढ़ गया है, उसके बाद इतना बड़ी दौलत आ गई, उसने नकाब उतारा और वो बगैर नकाब के बना रही है, आपने अब नकाब भी उतार दिया, सारे ख़ानदान को बेइज्जत भी करा दिया, अरे तूने तो इतना किया हमारे साथ, इतना किया हमें जीने के लायक नहीं छोड़ा, और कोई क्या बात कर रहा है जी, कोई कराची आ गया दौलत के लिए जी, बिक गए हैं सितारा के लिए, अफसोस है, अफसोस है इन लोगों की सोच पर जो हमारी इज्जतों की धज्जियाँ उड़ रही हैं, और ये लोग कहते हैं जी दौलत के लिए, और कोई लोग कहते हैं जी घर में बैठ गए, ये तो पंजाब से भागे इसलिए इसके लिए हैं जी, सब्सक्राइबर के लिए जी, मुझे नहीं चाहिए ऐसे सब्सक्राइबर जो हमारी इज्जत को उछालें और हमें गलत और बुरा भला कहें, जो हमें देखना चाहता है हमारा अच्छा सब्सक्राइबर, मैं उसे सलाम कर रहा हूँ हमें देखे, ये सारी ज़िंदगी हमने चैनल से नहीं खाई, अब मेरी माँ हमें इतना दे गई, इतना दे गई अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास ज़मीनें भी बहुत हैं, माल मवेशी भी बहुत है, और देहात में घर भी बहुत अच्छे इज्जत वाले घर हैं, इज्जत वाले घर देसी घर हैं, कोठियाँ बंगले नहीं है मेरे पास भाई, लेकिन मेरी माँ ने और बाप ने सब कुछ दे के गए हैं, और मेरे भाई यासीन की कब्र को भाई ना अजियत दो, मेहरबानी करो सलमा बेटी। अच्छा दूसरी बात, अब सब कुछ सुनने के बाद ना आपने कहा जी मेरे पास साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं आप हरम में बैठी हो, कैसी नेक जगह पर बैठी हो, आपको मैंने फ़ोन नहीं किया, आपने फ़ोन उठाने की ये नहीं करते, टाइम ही नहीं है अभी आपके पास, आपने यूट्यूब पर आकर हमारी बेइज्जती ही करनी थी, वो सो करा ली, और भी कराएं, बढ़ते जाएं, क्योंकि सब कह रहे हैं ना यूट्यूब वाले, ये तो आपके आँखें नहीं है, पढ़ी लिखी हो, क्या कह रहे हैं भी, आपके घर का मामला था तो घर में रखना था, तो आप यूट्यूब पर क्यों लाए, क्या हमने लाया, मेरे बड़े भाई यासीन ने लाया जिसकी बेटी हो, आपकी माँ ने लाया, अरे बड़े थे आप लोगों को रोक रहे थे, लेकिन आप लोग स्पीड में आए, सऊदी अरब से करोन वाले होटल से वो मिल गया, कार्ड मिल गया, फलान मिल गया, अरे ऐसे होटलों के कार्ड हज़ारों जो जेबों में फिरते हैं लोगों के में, जहाँ गया किसी ने अपने वो दे दिया जी मेरा ये कारोबार है। अच्छा ये तो होटलों वाला बाहरले मुल्क में कार्ड होते ही है, मैं भी 16 साल आता जाता रहा हूँ, इसी होटलों में भी रहे, दुबई भी गए, मैं हर पास से गया हूँ, तो आपको पता है इस बात का, ये होटलों वोटलों के कार्ड होते हैं। चलो भाई आपको शक शुभ था तो हमारा कोई मतलब है, ये माफ़ी तोबा सब भाइयों ने बोला भी, हमारे कोई अगर गलती है नहीं है तो करते हैं, लेकिन आपने नहीं माना, मैं जी यूट्यूब पर आऊँगी, क्योंकि आप फेमस होना चाहती हैं, मैं भी सितारा बनूँ, कि सितारा ने जो करोड़ों रुपए कमा लिए ना, आप भी आके कमा लें, अब तो अच्छा मतलब इधर बात क्यों नहीं करते, इधर जो बोलने वाले हैं जो आपके सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो सलमा बेटी आपके कितना सब्सक्राइबर थे और आपको कितने लोग देखते थे, आज कितना लोग देख रहे हैं, इधर क्यों नहीं बजाते, तो आप घर में अगर बात बनाना चाह ख़त्म करना चाहती हो सकती थी, क्योंकि आप व्यूअर बनाना चाहते हैं भी, मैं सितारा से बढ़ जाऊं, बस आपकी यही सोच है और कुछ भी नहीं है, और झूठ का साथ देने वाले भी बहुत हैं, सच का साथ देने वाले बहुत हैं, जो सच और झूठ का फैसले कर रहे हैं, मेरा रब है, मेरा अल्लाह ताला है, गैब के इल्म वही जानता है, कोई नहीं जानता, हर किसी ने मरना है, हमें भी लोग कह रहे भी आपने मरना नहीं है, सफ़ेद दाढ़ी आपके भी मैंने मरना है, मेरी जगह पर आप मरोगे क्या, मैंने मरना है, अपने जवाब मैंने खुद देना है, ये मेरे घर का मामला है, तो मैं खुद बिल्कुल समझाऊँगा जी, बिल्कुल समझाऊँगा, आप जितना बुरे मैसेज करें कर लें, मुझे कोई देखता है तो देखे, नहीं देखना तो आपकी मर्ज़ी है भाई, मैं तो सारी ज़िंदगी सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, चाहे कुछ भी की दुनिया कर ले।
अच्छा जी, तो ये आजम साहब या कोई या मतलब अभी बोले जी बेबो बोल रही है कुछ बोल रहा है, ये हम आप घर में से नई बातें करते हैं तो इन लोगों की कोई जरूरत नहीं बात करने की। अगर हमारे घर से बात नहीं उठती, ये लोग करते बातें, फिर मैं इनसे पूछता हाँ भाई अब बताओ कैसे बातें कर रहे हो, ये हमारे घर घर की गलती है भी हमारी गलती है, इन लोग की बिल्कुल कोई गलती नहीं जो हमारे पर बातें कर रहे हैं। खैर जी, इसी टॉपिक के साथ मैं यही कहना चाहता था। अच्छा, तो दूसरी बात यह है जी भी सितारा वाली, भाई सितारा जहाँ तक हम अब तक सब कुछ सुनने के बाद जो है ना देख रहे हैं सुन रहे हैं, जो दूर हैं तो वो तो जैसे बोलते जाएं उनकी मर्ज़ी है। भाई मैंने सब कुछ सुना है, फारूक ने भी सुना है सब कुछ, हम जो इधर हैं ना हमको ज़्यादा पता है। सब कुछ सुनने के बाद जी मैं तो हूँ सितारा के साथ, ठीक है, उसका साथ दूंगा तो उन्हीं के साथ ही रहूँगा। भैया हमारी छोटी बच्ची है, सबसे छोटी मेरे भाई की बेटी है, तो मैं उसके साथ रहूँगा क्योंकि वो झूठी नहीं है, नहीं आज झूठी है ना कल झूठी है। ये जो हमारा ख़ानदान का नाक कट रहा है ना, ये हम दौलत के लिए नहीं भी, तो मैं सितारा के साथ हूँ भाई आज भी कल भी, क्योंकि ये फेमस होने के लिए ना सब चक्कर कर रहे हैं, ठीक है, वो भी मैं उससे ज़्यादा फेमस हो जाऊँ, तो भाई आप फेमस हो जाएं, मैं सितारा बेटी के साथ हूँ आज भी कल भी। जिसको देखना है मेरा चैनल तो देखे, जिसको भाई नहीं देखना खुदा हाफिज़। और जिसको मेरे पे ख्याल में बातें भी बहुत करेंगे यूट्यूब पर भी, अब ये हो गया वो हो गया, ये जो करता है करता जाए, मैं हक की बात करूँगा आज भी कल भी। अल्लाह हाफिज़। जो मेरे अच्छे व्यूअर हैं, अच्छे मेरे देखने वाले हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर तो मैं सलाम करता हूँ, जो बुरे मैसेज करते हो, जो मुझे मैं सितारा के नाम के कहते हैं ना भी, सितारा के नाम से जाना गया है, बिल्कुल आज तक सितारा मेरे चैनल का कभी नाम नहीं लिया, बस क्योंकि वो सब कुछ सुनने के बाद मैंने ये किया है, ठीक है। मेरे कोई इतना सब्सक्राइबर भी नहीं है, मेरे 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, तो उसके 8 लाख सब्सक्राइबर हैं, 8-9 लाख हैं, सलमा के कितना है, मैं किसी से सब्सक्राइबर की भीख नहीं मांगता, दोनों से मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है और ना मुझे चैनल की ज़रूरत है। मैं सच बोलूँगा, मेरे को एक बंदा देखे, दो देखे, 10 देखें, जो मुझे चाहता है मैं उसे सलाम करता हूँ, और जो नहीं चाहता अल्लाह उसका भी भला करे भाई। वसलाम, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, जवाब देने के लिए भी साथ हूँ, भागूंगा नहीं कि मेरे आखिरी वीडियो थी, मैं जो जवाब उससे मांगेगा मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, जब भी आप जवाब मांगेंगे मैं उसी टाइम जवाब दूंगा, इन सब बातों का जो करके गया हूँ भागूंगा नहीं, ठीक है जी। मेरी अच्छी छोटे फैमिली अलग रहे, हंसते और बसते रहे, आबाद शाद रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।